हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ अमेज़न कस्टमर केयर से कैसे बात करते हैं, और आपको कस्टमर केयर से बात करनी है तो आपको उसका नंबर कैसे लेना है, आपको कस्टमर केयर से किस तरीके से आप संपर्क कर सकते हो। अगर आपका कोई भी प्रोडक्ट जो है अटक गया हो, या फिर रिफ़ंड अटक गया हो, आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो अमेज़न से, तो आपको कस्टमर केयर से किस तरीके से बात कर सकते हो और किस तरीके से आप संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ। आप देख रहे हैं ऑल सॉल्यूशन चैनल को, और मेरा नाम है रोशन। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अमेज़न ओपन कर लेना है, ठीक है। अमेज़न एप्लीकेशन ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद क्या करना है, थोड़ी देर वेट करना है और यहाँ पर चेक कर लेना है कि माई अकाउंट पर जाकर चेक कर लेना है माई ऑर्डर्स, ठीक है। इस ऑर्डर्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ पर देख सकते हो मैंने अभी यह रिटर्न के लिए भेजा था, और यहाँ पर रिफंड का इशू आ रहा था मेरे, देख सकते हो। तो पिकअप भी हो गया है और यहाँ पे रिफंड नहीं आया है। तो इसको क्या करना है, अब कस्टमर केयर से बात करनी है तो क्या करना है, तो यहाँ पे नीचे की तरह यहाँ पे देख सकते हो थ्री लाइंस पे आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। इस नीचे कोने में, राइट साइड में थ्री लाइंस पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा लोड होगा। क्या लोड होने के बाद क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे आपको देखने को मिलेगा एक सेटिंग वाला ऑप्शन, और यहाँ पे नीचे एक कस्टमर सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। कस्टमर सर्विस के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस कस्टमर सर्विस के ऊपर क्लिक करने के बाद क्या करना है, आपको जो भी प्रोडक्ट है ऊपर वो सिलेक्ट कर लेना है। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे नीचे दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, एक तो आप चैट पर आप बात कर सकते हो, या फिर आप कॉलिंग करके बात कर सकते हो, या फिर अगर आपको कॉल पर बात करनी है तो यहाँ पर इजीली यहाँ पर कॉल पर क्लिक कर देना है, ठीक है। कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड नंबर, और यहाँ पर आपको रीज़न सिलेक्ट कर लेना है, यानी कि आपका किस कारण आपको क्या हो रहा है प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आपको रिफंड नहीं मिल रहा है, रिटर्न हो गया लेकिन रिफंड नहीं मिला है, तो उसके लिए है यहाँ पे, कैंसिल रिटर्न के लिए भी है, सब कुछ ऑप्शन, सारा ऑप्शन यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी आपको रिफंड जो है इशू आ रहा है, तो यहाँ पे रिफंड पे क्लिक कर देता हूँ। मेरे को अभी रिफंड मिला नहीं है, तो यहाँ पे आ चुका है आपको रिफंड कैंसिल करना है, या फिर रिफंड आया नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन भी और भी आ चुके हैं, तो मेरे को अभी रिफंड मिला नहीं है, ठीक है। इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे नीचे कंटिन्यू कस्टमर सर्विस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर जो है डाल देना है, अपना मोबाइल नंबर जो है, मतलब कि आपको किस मोबाइल नंबर पर आपको कॉल करना है, मतलब जो भी कस्टमर केयर से आपसे बात करनी है, तो यहाँ पे वो आपका मोबाइल नंबर जो है डाल देना है, ठीक है। मेरा इसी नंबर पर आपको बात करनी है, तो यहाँ पे और हिंदी में बात करनी है तो हिंदी में भी है, इंग्लिश में करनी है तो इंग्लिश में भी है, तो आप कोई सी भी भाषा में आप बात कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे आपको क्या करना है, कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपका कॉल जो है वापस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है गाइस। कॉल ऑटोमेटिकली जस्ट 2-3 सेकंड में आपका कॉल वापस आ जाएगा, और आप कस्टमर केयर से आप आसानी से बात कर सकते हो, जो भी प्रॉब्लम हो आप सॉल्व कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।